करेंगे रेट ऑफ चेंज में क्वेश्चन, बोला ए मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एट 6 मीटर पर मिनट ना, मतलब 2 मीटर लंबा एक आदमी है जो भी चल रहा 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से, एवरेज क्रम है लैंप पोस्ट जो कि 5 मीटर हाई था एक लैंप पोस्ट से, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब उसका शैडो कितना से इंक्रीज करके वो बताना है, मतलब मान लीजिए कि मेरा लैंप पोस्ट है, ये मेरा ए भी मेरा क्या है लैंप पोस्ट ना, और यहाँ 2 मीटर हाई एक आदमी है ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिए ये हो गया ए बी सी डी ई, तो ए बी को क्या आसूम कर लिया हम लोग कि लैंप पोस्ट है, लेट ए बी इक्वल टू बी द पोजिशन ऑफ लैंप पोस्ट, बी द पोजिशन ऑफ लैंप पोस्ट एंड सी डी जो हो गया बी द पोजिशन ऑफ मैन, सी डी मेरा पोजिशन ऑफ मैन, इसका मतलब ए बी लैंप पोस्ट है, तो बोल दिया कि लैंप पोस्ट का हाई कितना था 5 मीटर, इसका मतलब बोल सकते कि ए बी का जो लेंथ है वो मेरा 5 मीटर है ना, और सी डी मेरा मैन था तो सी डी का भी बोल दिया, सी डी कितना बोल दिया, सी डी बोल दिया 2 मीटर है, अब बोला ये आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया है ना, यहां से चल रहा कितना स्पीड से चल रहा 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से यहां से चल रहा, तो ये जैसे जैसे इधर जाएगा तो लाइट जब उस पर पड़ेगा जिसका शैडो इधर आएगा ना, आदमी जैसे जैसे इधर जाएगा तो जब लैंप पोस्ट से यहां चलेगा तो इसका जो लैंप पोस्ट है लैंप पोस्ट पर पड़ेगा तो शैडो इधर आएगा तो वो इधर भागेगा, तो बोला कि आदमी अगर 6 मीटर स्पीड से चल रहा है तो उसका जो शैडो है वो कितना से स्पीड कर जा रहा है वो पूछा है, तो हम अज्यूम कर लें कि ये बी डी जो था वो मेरा एक्स है और जो डी था वो मेरा वाई है ना, डेट क्या कर लिए कि बी डी इज इक्वल टू एक्स है एंड डी इज इक्वल टू क्या है वाई ना, तो किसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, ये 6 मीटर पर मिनट जो दिया हुआ मतलब ये कितना स्पीड से चल रहा है वो दिया हुआ, और इसको हम क्या माने एक्स, इसका मतलब एक्स का रेट ऑफ चेंज हमको दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, इसका मतलब बाय प्रॉब्लम एक्स का रेट ऑफ चेंज हो गया डीएक्स बाय डीटी, टाइम को दिया हुआ पर मिनट, तो ये हो गया 6 मीटर पर मिनट ना, और इसका शैडो जो भाग रहा मतलब वाई का रेट ऑफ चेंज हमसे पूछ रहा है, वाई का रेट ऑफ चेंज हमसे पूछ रहा है ना, बट हमसे पूछा कि डीवाई बाय डीटी कितना होगा, लेकिन यहाँ से सबसे पहले क्या होगा इस तरह के सवाल में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक्स और वाई के रिलेशन या कुछ रिलेशन उनसे नहीं दिया होगा तो एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, और वो रिलेशन क्या होगा देखो ये जो ट्रायंगल है ना ए बी ई और सी डी ई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो क्या लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर सिमिलर, हमेशा इस तरह के सवाल में वो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो ए बी ई और सी डी अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो सेम होता है, इसका मतलब ए बी का जो लेंथ होगा ए बी बाय इसका सी डी और इधर हो जाएगा तुम्हारा बी ई बाय डी, मतलब इसका हाइट का जो रेशियो होगा इसका बेस और इसका बेस का रेशियो सेम होगा, अब देख लो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी तो हमको मालूम है 5 मीटर, सी डी भी मालूम है कितना 2, बी ई कितना है, बी कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई ना, बी क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, इसका मतलब बी हो गया मेरा एक्स प्लस वाई और डी कितना होगा वाई ना, अब क्रॉस इंटू कर दो तो ये हो गया मेरा 2x 5y ले लेते हैं, 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y, y का क्या तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 2x, अब डिफरेंशिएशन कर दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा 3y का हो जाएगा dy by dt, 2x का हो गया dx by dt, क्या आपको निकालना है dy by dt, तो dy by dt इक्वल टू कितना हो गया 2 by 3
dH by dt ना, अब dH by dt हमको मालूम था 6 मीटर पर मिनट था, तो ये हो गया मेरा 2 by 3 into 6 मतलब 4 मीटर पर मिनट। इसका मतलब एक आदमी अगर 6 मीटर पर स्पीड से अगर चलेगा तो उसका स्टैटर जो जाएगा वो 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बुक में इसका सवाल मिलेगा। फिर से मान लीजिए कि लैंप पोस्ट को मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए पोजीशन था, लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ था 5 मीटर, मैट का जो हाइट दिया हुआ था 2 मीटर, बी डी को क्या मान लीजिए एक्स है, डी को क्या मान लीजिए वाई है, तो ये आदमी यहां से चल रहा मतलब एक्स का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ 6 मीटर पर मिनट मतलब dx / dt दिया हुआ है, और हमसे पूछा तो उसका स्टैटर जैसे-जैसे ये इधर जाएगा वैसे-वैसे उसका स्टैटर भागेगा, तो हम मान लिए कि y d था तो y का रेट ऑफ चेंज हमसे पूछ रहा है, स्टैटर को पूछ रहा मतलब y का पूछ रहा, तो y का हो गया dy / dt हमको निकालना है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ABE और CDE, तो सिंस ट्रायंगल ABE एंड CDE आर सिमिलर, तो हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़े थे 9th में कि साइड का जो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है, तो AB और CD का जो रेशियो होगा इधर BE और DE का रेशियो सेम होगा, तो AB का वैल्यू 5 है, CD का वैल्यू 2 है, BE हो जाएगा दिस प्लस दिस, ये BE मतलब ये पूरा तो x प्लस y और DE हो गया मेरा y, ये क्रॉस इनटू कर दिए तो रिलेशन क्रिएट हो गया x और y का, अब उसको टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो 3y का हो गया dy / dt और x का हो गया dx / dt, dx / dt मेरा गिवन था, dy / dt हमको निकालने को बोला था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, फिक्स है ना, फिक्स रेट से बढ़ रहा, 5 से बढ़ रहा तो 5 से बढ़ेगा, 3 से 3 से, तो जो फिक्स रेट बोल रहे थे कांस्टेंट रेट, तो हम मान लेते हैं कि के कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर हो सकता है ना, एक तो पर्टिकुलर 5 4 नहीं कर सकते, कोई भी स्केलर क्वांटिटी करना पड़ेगा, के पकड़ो टी पकड़ो ए पकड़ो ना, और प्रूव करना है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस एरिया वो वैरी करेगा इनवर्सली एज द एज ऑफ द क्यूब, बोला कि प्रूव करना है कि सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज का, मतलब उसका साइड का, एज मीन साइड, क्यूब का जो साइड ना, तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट मेरे एज मेरा क्या था साइड का क्यूब का, लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए क्यूब, मान लिए कि x मेरा क्या था साइड का किसका क्यूब का, इसका मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब भी क्यूब का वॉल्यूम होता x क्यूब साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज अगर निकालेंगे तो dv / dt क्या हो गया d dt ऑफ x क्यूब, मतलब हो गया x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर और x का हो गया dx / dt, और ये जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है ये बोल दिया गया कांस्टेंट है, मतलब क्या मान लिए k, सिंस यहां लिख देंगे कि dv / dt इक्वल टू कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्वल टू k है, यहां से आप लोग dx / dt निकाल के रख लेंगे तो dx / dt क्या होगा k / 3x स्क्वायर, इक्वेशन 1, ये हमसे नहीं पूछा एज का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा, हमको प्रूव करना है कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज का, वो हमको प्रूव करना, तो हम यहां dx / dt काट के रखते हैं, अब आ जाओ सरफेस एरिया में, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब मतलब s, सरफेस एरिया s, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, 6 साइड होता है क्यूब पे और हर साइड का एरिया जो होता है वो x स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब 6 साइड है तो इसका हो गया 6x स्क्वायर, हमेशा टोटल सरफेस एरिया, एक होता कट सरफेस एरिया एक होता टोटल सरफेस एरिया, जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया लेना है, कट सरफेस एरिया में मेंशन रहेगा, अब यहां कट सरफेस एरिया बोलता है तो सिर्फ एक साइड का एक पार्ट का मतलब x स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर सरफेस एरिया मेंशन नहीं किया, कट सिर्फ सरफेस एरिया बोला मतलब टोटल सरफेस एरिया, अब इसका रेट ऑफ चेंज हमको दिखाना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या होगा dx / dt, तो ये हो जाएगा मेरा d / dt 6x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 6x स्क्वायर का हो गया 2x और x का कितना हो गया d
dx by dt फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम घटा सकते हैं, ये 12x और dx by dt का वैल्यू हो गया k by 3x square, तो 3 से कट गया और x से कट गया, मतलब आ गया 4k by x ds by dt, तो 4k तो कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शन हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है और प्रोपोर्शन डालने के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए, तो बेटा कांस्टेंट तो है 4k, तो ds by dt हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल है 1 by x का, तो यही शो करना था ds by dt में तो सरफेस एरिया का रहता है, तो यहां पर बोला था द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इनवर्सली वेरी कर रहा 1 बाय x का, तो यही हमको प्रूव करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से हमें देखो, बोला सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक पाइप से क्या कर रहा है सैंड को नीचे गिरा रहा है ना, तो ऑब्वियसली सैंड से जब पाइप से बाहर निकले सैंड को नीचे गिराया ना तो वो कोन पहले से फॉर्म करेगा, तो व्हाट इज द फॉलिंग सैंड, तो सैंड गिर रहा फॉर्म से कोन, जो कि कोन बना रहा है ना ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, इन सच अ वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, तो जो कोन बना रहा वो ऐसा कोन बना रहा जिसका जो हाइट होगा वो रेडियस का 1/6 होगा ना, रेडियस का 1/6 होगा, तो बोला हाउ फार इज द हाइट ऑफ द कोन सैंड कोन, सैंड कोन मतलब वही सैंड से कोन बना रहा है इसीलिए उसको सैंड कोन बोला गया ना, तो बोला द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, बोला उसका हाइट कितना से इंक्रीज करेगा ये बताना है ना, इसका मतलब हो गया कि ये जो सैंड इधर गिरेगा तो ये कोन फॉर्म होगा इस फॉर्म, ये इस तरह से कोन फॉर्म होगा रेडियस, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि एज मेरा हाइट का, लेट एज एंड आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सैंड कोन ना, मान लिए एज मेरा हाइट था और आर मेरा क्या था रेडियस का सैंड कोन का, इसका मतलब हो गया कि एडी इक्वल टू एच हो गया और ये सी है ना, तो सी डी इक्वल टू आर हो गया, और क्या बोला था ये जो कोन फॉर्म हो रहा है ऐसा कोन फॉर्म हो रहा है जिसका हाइट रेडियस का 1/6 है, इसका मतलब एंड आर जो सॉरी हाइट जो है मतलब एज जो है वो 1/6 इनटू आर है ना, और यहां 12 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल दिया क्या, वॉल्यूम कितना से इंक्रीज कर रहा 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, क्योंकि सैंड वाले उसको वॉल्यूम करेंगे ना, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, एंड dv by dt भी गिवन है, dv by dt कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना कुछ गिवन है और भी गिवन है, हाइट गिवन है ना, h 4 सेंटीमीटर ना, अब बोला कि हाइट का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन v ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां पर दो चीज वैल्यू कर रहा है रेडियस भी और हाइट भी है, और हम किसी को भी कांस्टेंट तो मान नहीं सकते क्योंकि दोनों वैल्यू कर रहा है ना, तो यहां पर ना आपको पहले क्या करना पड़ेगा एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आर में कन्वर्ट करो या तो एच में, तभी डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि फिर तीन वेरिएबल हो जाएगा, भी एक वेरिएबल हो जाएगा जो कि वाई का काम कर रहा है और आर भी हो जाएगा एच भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या करना है यहाँ तीनों इसको, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 इंच, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंच, या तो एच इक्वल टू 1/6 आर होगा, लेकिन हम लोग एच का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से आर का, बोलो क्यों, क्योंकि हमको हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा, अगर हमको रेडियस का रेट ऑफ चेंज पूछता तो हम हाइट का वैल्यू बढ़ा देते, आर में कन्वर्ट करते ना, यहाँ पर हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा तो हम लोग रेडियस को हटा देते, हाँ दोनों तो जल्दी नहीं पूछेगा, फिर दो बार बनाना पड़ेगा, हाइट को चेंज करके रेडियस को चेंज करके,
तो यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग आर का वैल्यू घटा दे रहे हैं। तो सिंस एच इक्वल टू 1/6 आर है तो आर इक्वल टू कितना हो गया 6h बैठा दो तो b इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई आर का स्क्वायर मतलब 36h स्क्वायर इंटू एच ना तो ये हो गया 12 पाई एच क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो तो dv बाय dt ये हो गया 12 पाई कांस्टेंट है एच स्क्वायर का हो गया 3h स्क्वायर और इसका हो गया dh बाय dt। ये dh बाय dt हमको निकालना है dv बाय dt ऑलरेडी हमको मालूम है dv बाय dt हमको मालूम है बाहर तो ये 12 हो गया ये 12 इंटू 3 12 पाई इंटू 3 एच का वैल्यू भी मालूम है 4 तो 4 का स्क्वायर इंटू डी एच बाय डीटी तो 12 कट गया इधर 1 आ गया और इधर 16 इंटू 3 मतलब 48 पाई हो गया इंटू डी एच बाय डीटी तो डी एच बाय डीटी कितना हो गया 1/48 पाई इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड ना तो हाइट 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा ना। अब तो बंद ही कर दे रहेगा कि 16 मिनट हो गए इसमें नहीं।